वेल गाइस, तो फाइनली WWE के इस हफ्ते का स्मैकडाउन ओवर हो चुका है और आज यहां पर WWE के स्मैकडाउन के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर WWE का US चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर LA नाइट उनका टाइटल आंद्रादे के खिलाफ डिफेंड करते गए और इन दोनों के 17 मिनट के ब्रूटल मैच के बाद LA नाइट BFT के साथ उनका टाइटल रिटेन कर लेते गए, जिसके बाद के स्मैकडाउन के ऊपर आज यहां पर रोमन रेंस और कोडी रोड्स का स्टेडियम में कन्फ्रंटेशन होता है और गाइस यहां पर रोमन रेंस कोडी रोड्स को ये वार्ड देते गए कि बैड ब्लड के ऊपर वो यहां पर कोडी रोड्स की तरफ से पूरी तरह से मदद करेंगे और वो कोडी रोड्स के ऊपर टर्न नहीं करेंगे, बट बैड ब्लड के बाद रोमन यहां पर कोडी से उनका टाइटल वापस लेने वाले गए। वेल गाइस, रोमन रेंस और कोडी के इस सेगमेंट के बाद शो के ऊपर केविन ओवेंस उनका प्रोमो कट करते गए, बट केविन ओवेंस के इस प्रोमो के ऊपर ब्लड लाइन केविन ओवेंस पर अटैक करने की कोशिश करते गए, जिसके बाद के जनरल मैनेजर निक एल्डिस के द्वारा आज यहां पर इस ब्रॉल को रोका जाता है। पर इसके बाद यहां पर वुमेन डिवीजन की तरफ से आज यहां पर बेली और नायोमी शो के ऊपर नाया जैक्स और टिफनी को फेस करते गए और इस मैच के एंडिंग के ऊपर बेली और नायोमी डबल पिन फॉल के साथ इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद कि फाइनली WWE के स्मैकडाउन के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर शो के ऊपर हमें WWE के अंदर सिक्स मैन टैग मैच देखने को मिलता है, जहां पर शो के ऊपर केविन ओवेंस स्ट्रीट प्रॉफिट हमें यहां पर ब्लड लाइन को फेस करते हुए दिखाई देते गए और 15 मिनट के ब्रूटल मैच के बाद इस मैच के अंदर रेफरी मैच को नो कॉन्टेस्ट से डिस्क्वालीफाई कर देता है, बट मैच के ओवर होने के बाद जब ब्लड लाइन केविन ओवेंस को बीट डाउन करती गए तो कोडी रोड्स यहां पर केविन ओवेंस को सेव करते गए, बट शो के एंडिंग के ऊपर केविन ओवेंस यहां पर कोडी रोड्स पर हील टर्न करने वाले होते गए और लास्ट मिनट के ऊपर केविन ओवेंस यहां पर दोबारा से उनका मूड चेंज कर देते गए और वो कोडी की हील टर्न ना करके बल्कि कोडी से हग करते हैं।